हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। मैं हूँ सुनीता और आज हम बनाने जा रहे हैं पंचफोड़न आलू वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनती है और इसे आप पूरी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। सबसे पहले हम बनाएंगे पंचफोड़न। तो पंचफोड़न के लिए लेंगे हम एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच मेथी दाना, एक छोटा चम्मच सरसों के बीज, एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ बड़े वाले साइज का जो होता है उसे लेना है। मिला लें इसे और आप इसे ज़्यादा मात्रा में बनाकर किसी भी जार में रख सकते हैं। और जब भी आपको ऐसी कोई सब्ज़ी बनानी है जिसमें पंचफोड़न का इस्तेमाल होता है आप बनाएं। आलू की सब्ज़ी का एक मसाला तैयार करते हैं। तो एक कटोरी में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, डेढ़ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, मिर्ची पाउडर डेढ़ छोटा चम्मच या जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच और इसमें मैं डाली हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और आपके पास है तो डालें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार करें। आलू की सब्ज़ी तीखी काफ़ी अच्छी लगती है, तो आपको भी तीखा पसंद है तो इसके लिए आप ना इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि काली मिर्च का जो तीखापन होता है बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ा देता है। अब कढ़ाई को गर्म करें और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और एक छोटा चम्मच डालें पंचफोड़न। साथ में डालेंगे थोड़ा तेज़पत्ता, एक या दो सूखी मिर्ची और इनको हम बिल्कुल लाल कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी हींग और एक छोटा चम्मच डालें अदरक बारीक काट कर लंबाई में और एक छोटा सा प्याज बारीक काट कर इसमें फ्राई कर लें। जब प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने जो मसाले भिगो के रखे हैं उसे आप डाल दें और थोड़ा सा पानी भी डाल दें, क्योंकि मसाले फूलने के बाद बिल्कुल थिक हो गया है तो थोड़ा पानी डाल देंगे तो मसाले अच्छी तरह से हमारे भुनेंगे और जलेंगे भी नहीं। मसाले हमेशा धीमी आँच पर हम भुनेंगे। जब मसाले भून जाएंगे तो इसमें डालें 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट कर और नमक स्वाद के अनुसार। अब टमाटर को हम पकाएंगे तो इसके लिए ढक कर पकाएं। 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। इतने में हमारा टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से गल जाता है। टमाटर गल चुका है तो इसे चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लें, जिससे ये जो ग्रेवी बनेगी काफ़ी थिक सी बनेगी। और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, 2 से 3 ऐसा स्लिट करके डालें बीच में से काट कर। और इसमें 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल कर मैंने डाला है और इसी के हिसाब से सारे मसाले वगैरह हैं। और जब हम आलू डाल देंगे तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करके आप फिर से इसे ढक कर पकाएं 2 से 3 मिनट तक। और देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है। अगर आपको इस तरह से सूखा खाना पसंद है आलू की सब्ज़ी तो आपकी सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल। आप धनिया पत्ती डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आलू वाली ग्रेवी की सब्ज़ी बनाई जाए तो इसमें अब पानी डालें। आप अगर ग्रेवी वाले बना रहे हैं तब भी इस तरह से आलू को ढक कर पकाएं, उसके बाद ही पानी डालें। तो पानी मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है क्योंकि इसे मैं थोड़ा लटपटा बना रही हूँ, बहुत पतला नहीं बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है पतला तो पानी की मात्रा उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। अब पानी डालने के बाद इसे फिर से हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। और ये सब्ज़ी हमारी हो गई है, जैसी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए वैसे एकदम परफेक्ट है। धनिया पत्ती डालें, अच्छी तरह से मिला लें और सब्ज़ी सर्व करने से पहले ना इसमें जो भी आपके साबुत मसाले होते हैं जैसे तेज़पत्ता है, सूखी मिर्ची है, इसे आप निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सब्ज़ी आपकी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ, पराठे के साथ या सादी चपाती के साथ सर्व करिए, काफ़ी अच्छी लगती है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये पंचफोड़न वाली आलू की सब्ज़ी बहुत बहुत मज़ेदार होती है। आप भी इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।